हेलो व्हाट्सअप लवली पीपल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की रेसिपी है सोया चाम्प। तो हमने सोया चाम्प लिए, ये है 350 ग्राम। इसको हम मैरिनेशन करेंगे। तो इसका स्टेप है, इसमें डालेंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मिक पाउडर आधा स्पून, इसमें हमने ऐड किया है 1/2 स्पून ऑफ रेड चिली, 1/4 स्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर 1/4 टेबल स्पून। तो हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml विनेगर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नियर अबाउट हम इसको 1/2 आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। तो हम बनाएंगे अब इसकी ग्रेवी। 2 पीस हमने लिए हैं टमाटर के और 2 ही लिए हैं अनियन, 1 लिए ग्रीन चिली, 1 लिया है जिंजर और 2 लिए हैं गार्लिक। इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। क्योंकि हमने इसकी बनानी है प्योरे, और इसमें ऐड करेंगे कैश्यू। फाइव टू सेवन पीसेस ऑफ कैश्यू एंड सॉल्ट टू टेस्ट। तो हम इसको कवर कर देंगे लिड के साथ। तो हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। जब तक वो ग्रेवी बनती है तो तब हम इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं सोया चाम को। मैरिनेशन हो चुकी है तो हम डालेंगे इसमें ऑयल। अच्छे से ऑयल गर्म होगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम डालेंगे सोया चाम्प। ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस 5-10 मिनट और। तो हमारी सोया चाम्प शैलो फ्राई हो चुकी है तो इसको हम निकाल लेंगे। ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे बंद, ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम इसकी बनाएंगे प्योरे। तो हमने पैन ले लिया, इसमें डालेंगे ऑयल क्योंकि अब लगाएंगे तड़का। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे 2 बे लीफ, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची,
हम इसमें डालेंगे दालचीनी। Now in this we will add a puree. पेरे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लिड के साथ कवर कर देंगे 2 to 3 minutes। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून चिल्ली पाउडर, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 स्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर। अच्छे से बॉईल आ चुका है ग्रेवी का, तो हम इसमें ऐड करेंगे सोया चांप। तो हम इसके एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है, नाउ इट्स रेडी टू ईट। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, नाउ इट्स रेडी टू ईट। देखो कितनी अच्छी बनी है।